हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे आपसे उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में ठीक होंगे हम भी हाँ बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छे हैं नॉट अक्चुअली अकॉज आई वॉज एंजॉइंग माई हाउस एंड ऑल्सो नॉट एक्चुअली एंजॉइंग एनजॉइंग बट वॉज से हाउस एंड ऑल दैट विच वॉज एवरीवेयर सो अभी कुछ कुछ हो गया है बहुत कुछ नहीं हुआ है तो लेकिन फिर भी द कमिटमेंट आई मेड कि मेरे को आपको, आपको अपना घर दिखाना है तो फाइनली मुझे वो अपना घर दिखाना है आपको तो आज का व्लॉग है हमारा न्यू हाउस का होम टूअर व्लॉग तो प्लीज़ जज मत करना अभी क्योंकि अभी जितना भी मैं घर सेटल कर पाई उतना ही किया है जितना फर्नीचर अभी हम ला पाए उतना ही हम लेकर आए हैं और अभी जितने बॉक्सेस हमने खोले वो सबको देखते हुए तो जितना भी है बट आपको घर में सारा आज दिखा ही दूँगी तो चलिए मेरे साथ मैं आप लोगों को और आज मेरा कैमरामैन काम पे गया हुआ है तो वो मुझे शूट नहीं करेगा तो तो नहीं, नहीं है पे, गया काम पे, तो मैं से शूट करने वाली हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके ऐसे ऐसे दिखाती जाऊंगी और बीच बीच में कैमरा लगा के फिर बताती भी जाऊंगी तो दिस इज वेयर द हाउस और वो खड़ी है कुकी दरवाजे पे हमारा वेट करते हुए तो चलिए चलते हैं अंदर तो दरवाजा खोलते ही पहले अंदर सामने खड़ी है कुकी हमारा वेलकम करने हाय कुकी हेलो चलो चले अंदर सो हियर वी एंटर द हाउस तो एंटर करते ही पहले ये जा रही है स्टेयर्स और इस साइड है हमारा मेन फ्लोर तो मेन फ्लोर में एंटर करेंगे देयर कम्स वन वॉशरूम विच इज लाइक अ मेन वॉशरूम हियर और ये मैं हूँ ये युवान है ये युवान का स्टूल है सो दिस इज़ हाउ दिस वॉशरूम इज़ और इससे आगे हम जाते जाएंगे तो ये है हमारे बेसमेंट का डोर बेसमेंट अभी फर्निश्ड नहीं है आई मीन कंप्लीटेड भी नहीं है तो हम बेसमेंट में नहीं जाएंगे देयर कम्स आर लिविंग एरिया फर्स्ट द डाइनिंग एरिया तो ये हमारा डाइनिंग टेबल डाइनिंग एरिया है और वो हमारी फ़ोटो अभी तक हमने नहीं लगाई है क्योंकि अभी गौरव ने ड्रिलिंग वाले बहुत सारे काम है जो नहीं किए हैं एक्चुअली उसके बाद आती है हमारा फ्रिज एंड और किचन और टू बी मोर प्रोसाइज ये हमारा किचन है और फिर इधर आती है हमारी पेंट्री जिसमें हमारे किचन का सारा सामान है जो भी राशन पानी वाला सामान होता है वो है आ युवान ये मेरा युवान है है ना ये युवान की बाइक हाँ जी पालो इसको पहन लो पहन के दिखाओ ये मेरे युवान ने कैप पहन ली पापा की कैप पहन ली है ना और ये है हमारा ड्राइंग रूम कह सकते हैं इसको हम लिविंग स्पेस तो ये रहा काउच काउच हमारा वही पुराना वाला है प्लांट्स भी हमारे पुराने वाले हैं दो स्टैंड जो है वो नया है ये पीछे से सारा विंडोज़ जो है बाहर पीछे का दिखता है लेकिन यस yes, अभी फेंसिंग नहीं हुई है तो फेंसिंग जब हो जाएगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी और ये हमारे पुराने प्लांट्स अभी प्रिंटर हमने यहीं रखा हुआ है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी हम लोग सामान लगा रहे हैं तो प्रिंटर हमें चाहिए था वीकेंड पे तो प्रिंटर हमने ये रखा हुआ है और ये साथ में हमारा पुष्प पुष्प आंटी सो so, बचपन में जो हमारी हां आ जाओ आ जाओ सो so, जो बचपन में हमारी मेट थी ना हमारे घर पे वो थी पुष्प आंटी वी लव पुष्प आंटी सो मच कि पुष्प आंटी की याद में मैंने मतलब वो चीज दिया तो पुष्पा आंटी का ही मैंने इनको नाम दिया है कोई ओफेंस नहीं है किसी के लिए इट्स जस्ट कि वो उनसे इतना प्यार था वो हमारे घर में काम करती थी तो इसलिए यहाँ भी मेरे घर में पुष्पा आंटी ही है तो ये रूम्बा जो है ये क्लीनिंग के लिए है इसकी मस्ट नीड थी यहाँ पर क्योंकि बार बार सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो इसलिए ये क्लीनिंग कर देता है और अब हम चलते हैं ऊपर तो ये था नीचे का मेन फ्लोर अब हम जाएंगे ऊपर एक चीज़ इस घर में आके हुई है कि मैं सारा दिन मेरी वर्कआउट बहुत होता है सारे दिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे मैं स्टेयर चढ़ती रहती हूँ तो चलिए जाते हैं ऊपर सो so, ये हम आ गए ऊपर ऊपर आते ही आते हैं सबसे पहले युवान का बेडरूम तो अभी युवान के बेडरूम में भी ड्रिलिंग वर्क होना है सारे टॉयज वगैरह लगने हैं तो पर ये है युवान का बेडरूम एंड युवान का कॉट है और ये युवान की क्लॉजेट उसका टालस ऊपर टंगा हुआ है भी ठीक करते हैं पहले बट युवान के पापा इस सो चलाक लोमड़ी ना अपने कपड़े भी युवान के क्लाजेट में रख दिया क्या क्या युवान के कौन सा इतने कपड़े हैं चलो मैं शेयर कर लूंगा उसके साथ तो नेक्स्ट इज इधर वाला रूम एक और ये दूसरा बेडरूम जो है दिस इज अ गेस्ट बेडरूम और युवान को मैंने बेड पे बिठा दिया था तो ये है यहां से इसकी विंडोज बाहर को जाती हैं और ये उधर क्लोज़ेट है अब ये वाला रूम भी डेकोरेट होगा थोड़ा सा जी हाँ जी चलो आओ अपना मास्टर बेडरूम दिखाएंगे सबको लेट्स गो चले चले वॉकिंग आउट ऑफ दिस रूम एंड कम्स लिटल लॉबी एंड द वॉशरूम ये है मेन वॉशरूम अपस्टेयर्स कॉमन वॉशरूम ये वाला ये इसकी वैनिटी से हाई यून टमी <laughs> हाँ, ये देखना जरा फोन कैसे खींच रहा है मुझसे तो ये है एक वॉशरूम अभी हमने आपको नीचे वाला दिखाया था देन वी वॉक आउट दिस इज आर लॉन्ड्री स्पेस तो ये हमारे बेडरूम के बिल्कुल पास है लॉन्ड्री स्पेस विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस बेसमेंट में जाना कपड़े डालना फिर भूल जाना दो तो दो दिन तो ये बेटर ऑप्शन है हमारे पास अब लॉन्ड्री से अंदर आते ही इज आर मास्टर बेडरूम माया पॉलोजी स्काइस अभी थोड़ा सा सामान फैला हुआ है फैला तो ऐसे तो नहीं फैला हुआ है मतलब अभी हमारा सामान हमने नहीं लगाया है प्रॉपरली अभी ये पूरा बॉक्स पड़ा है मेरा कपड़ों का और ये वाला बॉक्स भी मेरे कपड़ों का भी पड़ा है लगाने वाला तो धीरे धीरे लगा रहे हैं और ये हमारा बेड यून चलो बेड पे और फिर ये हमारी वॉक इन क्लोजेट है अभी ये भी ऐसे ही बनी हुई है तो मैं इसके अंदर जा नहीं दिखाऊंगी आपको तो ये हमारा पूरा का पूरा रूम है अभी इसमें काफी सारा सामान आना है कुछ सामान हमने ऑर्डर किया हुआ है फर्नीचर हाँ जी कुछ आने वाला है कुछ नेक्स्ट uh, मंथ आना है सो एवरी इज अभी इधर उधर ये दैट्स योर विंडोज है ना एंड विद दैट इज द अटैच्ड बाथरूम विद द मास्टर बेडरूम और ये युवान अपनी टूथपेस्ट यहीं छोड़ के चला गया था तो ये था हमारा बाथरूम मैं दोबारा दिखा देती हूँ पर यह बाथरूम है हमारा और या चलो दरवाजा बंद करें बिकॉज इट्स रिस्की युवान के लिए बाथरूम के दरवाजे हम खुले नहीं रख सकते ये युवान का टेडी है ना एंड ऑनेस्टली युवान इतना इंजॉय कर रहा है ना न्यू हाउस के कोई बात नहीं हमें लगा था कि युवान को शायद बुरा मतलब डिफरेंट फील होगा बट ये तो अपनी मस्ती में है ये देख लो जरा <laughs> मस्ती 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 तो हम आ गए नीचे और नीचे आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ हमारा बैकयार्ड आने वाला है अभी नहीं आया है बिल्कुल साथ ही डोर है इस पर अभी ये चाइल्ड डोर लगा हुआ है हाँ जी बेटा हाँ जी और ये है हमारा बाहर का एरिया जिसमें अभी फेंसिंग जब हो जाएगी तो उसके बाद पूरा बैकयार्ड हो जाएगा जैसे इन लोगों का हुआ हुआ है तो इस तरीके से हमारा बैक यार्ड होगा और हाँ और वैसे मौसम बड़ा अच्छा हुआ पता है ऐसे लग रहा है जैसे फॉल्स आ गई हैं अभी से ये देखना जरा कैसे लटका पड़ा है इवान अभी तो हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अभी बैक यार नहीं है है ना हां जी नीह आ जाओ वापिस आ जाओ चलो लटकना नहीं है वहाँ पे आ जाओ तो गाइस ये था हमारा होम टूर आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा रुको मैं आपको एक बार बाहर से भी घर दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने बाहर से नहीं दिखाया था ये फेंसिंग का काम होने वाला तो ये फेंस का सामान आ गया हुआ है सो दिस इज आवर हाउस अभी इसका नंबर वगैरह भी नहीं लगा है और ये सारा सामान जो है फेंसिंग का है क्योंकि फेंसिंग स्टार्ट होने वाली है हमारी तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा हमारा हाउस अच्छा लगा होगा वैसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा प्यार दिखाया बहुत सारे कमेंट्स सा आए थे कॉन्ग्रेचुलेशन के बट एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मैनी जी व्लॉग जो जल्दी से बता देना आप लोगों को होम टूर कैसा लगा घर कैसा लगा अंदर से और थोड़ी सी हेल्प करना बताने में कि कैसे इसकी डिज़ाइनिंग करें इंटीरियर डिजाइनिंग और सब कुछ नया कुछ लगाना चाहिए हमें या क्या करना चाहिए है ना तो बताना नेक्स्ट नेक्स्ट uh, आप मुझे बताना नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों से मिलूंगी तब तक तो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर टू मिनी निजी ब्लॉग्स बाय गुड नाइट